वेलकम टू एम के मिन्स। तो आज मैं अपनी किचन रिनोवेशन का स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले तो हमारा किचन बहुत ज़्यादा और था, बट हमने खुद से उसको रिनोवेट किया है। तो चलिए कुछ सिनेमेटिक शॉट्स देखते हैं मेरे क्यूट सा किचन का। तो ये है हमारा गवर्नमेंट क्वार्टर का खूबसूरत सा किचन रूम, जिसे हम और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सारा किचन का सामान को रिमूव किए और अच्छे तरीके से किचन को क्लीन किए। फिर पारी था पेंटिंग करने का। किचन का हम थीम रखे थे ग्रीन एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन पे। तो सबसे पहले हम पैरेट ग्रीन कलर को चॉइस करके फिर उसको हमने कलर की। शुरू में तो हमें ये काफ़ी ऑड दिखने लगा था, फिर हम रुके नहीं, फिर भी हम अच्छे से कंप्लीट किए। हमने हर एक एक कॉर्नर को कवर की और काफ़ी अच्छी तरीके से पेंट किए डबल कोट करके। उसके बाद बारी था डोर एंड विंडो का कलर करने के लिए। अब देख सकते हो ब्राउन कलर इससे पहले था तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो हमने व्हाइट कलर की। और सॉरी मैं इसका फुटेज लेना भूल गई थी। मतलब देख सकते हो कि हमारा किचन हम कलर कर लिए हैं, पर अभी हमारा किचन आधा रिनोवेट हुआ है और ये उसका एक पार्ट है। हमने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज की थी ये रोल, और अभी हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। ये वॉलपेपर काफी ज्यादा अच्छा है और बहुत सारे डिजाइन पे फ्लिपकार्ट अवेलेबल है, जिसमें से हमने व्हाइट कलर का वॉलपेपर चूज किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब बारी है सारे एक्सेसरीज को किचन में फिक्स करने के लिए। तो हमने सबसे पहले अपने बर्तन स्टैंड को किचन के वॉल पे फिक्स की। यस, अब हमने फ्रिज को भी सेटअप कर दिया किचन में। अब इधर से कोई देख भी सकता है कि मैं खाने के लिए क्या-क्या रखी हूं, तो मैं छुपा दूंगी। उसके बाद हमने रैक लगाया। ये रैक भी आपको अलग अलग कलर में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। कुकिंग स्लैब के नीचे काफी ज्यादा स्टोरेज था, इसीलिए हमने एक वेस्ट प्लाईवुड को काट के उसके ऊपर अपना वॉलपेपर चिपका दिया, तो वो काफी ज्यादा रिच लगने लगा। और उसको फिक्स करने के बाद हमें काफी ज्यादा स्टोरेज मिल गया। और इसी बीच हमने फ्लोर मैट भी डाल दिया था किचन पे, जिसका हम फुटेज लेना भूल गए थे, पर मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है कि फ्लोर मैट को हम कैसे डालते हैं। यहाँ पर इतना स्पेस बन गया कि हमने अपने ओवन को भी यहाँ पर अच्छे से सेट कर ली। उसके बाद सारा चीज को कवर करने के लिए हम एक खूबसूरत सा नेट वाला व्हाइट कर्टन लगा दी। सेम उसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी कर्टन से कवर कर दिए, और ये हमारे किचन के थीम के साथ भी मैच कर गया, क्योंकि व्हाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। और हमने फ्रीज में भी सेम टाइप का रेड कर्टन लगा दिया। ये ड्रॉप पे खाना बनाने के लिए जो इंस्टेंटली मसाला चाहिए वो मैं रखती हूँ। अब बारी है मेरे सबसे फेवरेट पार्ट लाइटिंग्स का। यहाँ पे हमने लीची लाइट को यूज़ की रैक, फिल्टर एंड बर्तन स्टैंड को हाईलाइट करने के लिए। किचन का दूसरा साइड काफ़ी ज़्यादा डल लग रहा था, इसीलिए हमने एलईडी वाला ट्यूबलाइट फिक्स कर दिए। और सारे रैक्स में ग्रीन एंड येलो कलर का बटन एलईडी फिक्स कर दिए, ताकि सारे बर्तन को वो हाईलाइट करे। पैकिंग मटेरियल में कुछ आया था थोड़ा फोम टाइप का, इसे मैं यहाँ पे डालूंगी और उसके बाद मैं अपना सारा डिनर सेट कांच का मटेरियल रखूंगी, ताकि वो सेफली रहे। फोम की वजह से आपका जितना भी कांच का मटेरियल है, फिर चीना मिट्टी का, जितना भी सारे बर्तन का सेट है, सब सेफली इसमें रहेगा। अब हम लगाएंगे लाइट।
ये जो वॉलपेपर है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर इसमें कुछ खाने का चीज गिर जाए तो आप ऐसे वेट करके कपड़ा को से क्लीन कर सकते हो। अब हो गया हमारा किचन कंप्लीट और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक एक सोडा चीज की। तो न्यू किचन के साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स फर्स्ट रेसिपी। आप लोग भी जरूर आना मेरे घर सोडा पीने। और ये था हमारा डल सा किचन जहाँ पे हमें खाना तक भी बनाने में मज़ा नहीं आता था, जिसको हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिए, जहाँ पे हमें भी खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये था मेरी स्टोरी एक डल किचन को एक सेमी मॉड्यूलर किचन में कन्वर्ट करने की। अगर आपको मेरी क्यूट सा किचन अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, डेली अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।